हेलो एवरीवन, आज मैं लाई के और गुड़ के साथ में लड्डू बनाऊंगी। कोई कोई लाई बोलता है, कोई कोई पप्स राइस पप्स बोलता है, और कोई कोई लैया बोलता है, कोई कोई मुरमुरा बोलता है। अब इसी कटोरी से मैं 3 कटोरी लाई ले ली हूँ, और लाई थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए। क्रंची नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं बनेगा। अब एक पैन में हम 2 चम्मच पानी डाल दिए। अब वही सेम कटोरी से मैं 1 कटोरी गुड़ डाली, और मैं आधा कटोरी से थोड़ा सा कम गुड़ डाली हूँ, क्योंकि कम गुड़ हम लोग खाते हैं इसलिए कम गुड़ का बना रहे हैं। आप अगर ज़्यादा गुड़ आपको अच्छा लगता है तो 1 कटोरी और आधा कटोरी डालिए। मैं आधा कटोरी से जो कम डाली हूँ ना, आप पूरा आधा कटोरी डालिए। अब देखिए, अब आप गुड़ पिघल गया है थोड़ा सा, ये लाइट वेट लगने लगता है चलाने में गुड़, तो समझ जाइए पक गया है। अब मतलब इसको हम मिक्स करके बना लेंगे। अब लइया इसमें मिक्स करके, आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, तिल आपको अच्छा लगता है और तिल भी डाल के बना सकते हैं। इसमें भी सब जगह तिल अच्छा लगता है, क्योंकि संक्रांति पर तो तिल डालते ही हैं सब। लोहड़ी है, संक्रांति है, तो और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब चारों तरफ से मिक्स हो जाएगा, पूरी लाई में मिक्स हो जाएगा, फिर इसको हम ठंडा करके लड्डू बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको ऐसे चला लेना है, नहीं तो कहीं गुड़ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं गुड़ कम हो जाएगा। और बनाइए, खाइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाई का मुरमुरा कोई लाई, मतलब जो भी, जहाँ आपके यहाँ जो भी बोला जा रहा हो, मेरे यहाँ लाई बोलते हैं। तो लाई का लड्डू तो खाने में अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बना के ज़रूर खाइए। और संक्रांति पे तो मैं नहीं डाल पाई, अभी मैं डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि हाथ से छूने लायक, एकदम ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। हाथ में पानी लगा के ऐसे लड्डू धीरे धीरे करके बना लेंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, कि ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेगा, फिर ऐसे फैल जाएगा, चिपक जाएगा। और बहुत अच्छा बना था, नरम बना था, जैसे वो हार्ड हो जाता है ना, वो उस तरह का नहीं था, बहुत ही अच्छा था। खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। हाथ में ऐसे ग्रीस करके पानी ऐसे थोड़ा सा, नहीं तो एक गुड़ का जो है ना वो चिपकता है, तो ऐसे। और वो वाला गुड़ नहीं है मेरे, तो ऑर्गेनिक गुड़ है, तो इसलिए वो जो खींचता नहीं है, दांत में चिपकता है, वो वाला गुड़ नहीं है, ये गुड़ अच्छा वाला गुड़ है। तो इस तरह का है भी नहीं कि एकदम टाइट हो जाएगा पत्थर की तरह, कोई कोई नहीं हो जाता है, उस तरह का नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है बना, इस तरह से बनाइए, खाइए, और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।